तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसम और एमएम ऑटो ब्लॉग्स की एक नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैं दिखाया था कि आपको कि एंड्रॉयड ऑटो को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे ये एंड्रॉयड ऑटो हमें हेल्प करती है लॉन्ग ड्राइव करने के वक्त। ये एंड्रॉयड ऑटो बहुत हेल्प करता है, स्पेशली फॉर द मैप्स, फॉर द गूगल मैप्स इट हेल्प्स अ लॉट। तो कुछ दोस्तों ने मुझे ये बोल रहा था कि एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि जब भी वो कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने कार से अपने मोबाइल को, तभी वहाँ पर दिखा रहा है कुछ एरर मैसेजेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर प्रॉब्लम्स तो मैं फ़ोन में बता के सॉल्व कर दिया। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि बहुत सारे दोस्तों को इस पर कुछ हेल्प हो सके। तो इसलिए दोस्तों मैं आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये है एंड्रॉयड ऑटो में जो एरर मैसेजेस आते हैं वो क्यों आते हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस पर ही बना रहा हूँ। देखिए एंड्रॉयड ऑटो में जो दिक्कतें आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटा मोटा ग्लिचेस होता है, वो हम मतलब खुद ही ठीक कर सकते हैं। पर अगर इस फिक्स के अलावा और कोई दूसरा प्रॉब्लम आए, सर्विस सेंटर में जाके वो प्रॉब्लम आपको ठीक करना पड़ेगा। पर उसके अलावा जो छोटा मोटा सॉल्यूशन DIY वाला जो है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आखिर तक देखते रहना और बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड ऑटो का जो एरर मैसेज आता है उसका एक रीजन है केबल, अपना केबल। आप एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के वक्त ध्यान में रखिए कि आप जो केबल यूज कर रहे हैं वो केबल ओरिजिनल हो, और अगर ओरिजिनल नहीं भी हो तो जो केबल आप दूसरा यूज कर रहे हो वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का हो या फिर कोई ब्रांडेड हो। जैसे कि मेरा जो ये केबल है ये ओरिजिनल तो नहीं है पर ये अच्छा ब्रांड का है, ये मतलब एक ERD नाम का एक ब्रांड है जो है तो लोकल पर क्वालिटी इसका अच्छा है। तो नंबर वन पॉइंट, अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो में एरर मैसेज आ रहा है तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपका जो केबल है, जिस केबल से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उस केबल को चेंज करके देखिए कि अगर इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ अभी दूसरा ट्रिक। दोस्तों एंड्रॉयड ऑटो एरर में जो दूसरा वजह हो सकता है वो हो सकता है कि आपके फ़ोन में आप चेक करके देखिए कि यहाँ पर कोई आपके फ़ोन में मतलब डुअल ऐप है या नहीं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे फ़ोन में दो व्हाट्सएप है। तो इस तरह ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप ही हो सकता है कोई दूसरा ऐप क्लोन होके आपके फ़ोन में बैठा है, या फिर आप फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई दूसरे ऐप को आप क्लोन करके या डुअल ऐप फीचर्स यूज़ कर रहे हो। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर आपके फ़ोन में डुअल ऐप है या फिर क्लोन ऐप है तो एंड्रॉयड ऑटो काम नहीं करेगा दोस्तों। तो तब एक एरर मैसेज आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अब देखिए कैसा मैसेज आता है। फिर मैं अपना फ़ोन कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट किया और तुरंत ही मतलब ये मैसेज आ गया। देखिए दोस्तों कि एंड्रॉयड ऑटो एनकाउंटर्ड एन एरर, कम्युनिकेशन एरर 16, समथिंग्स रॉन्ग व्हेन इट सेप अनप्लग एंड प्ले प्लग इन योर फोन। और यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो एग्जिट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का यही प्रॉब्लम होता है, देखिए ये बार बार आते ही जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले आप फ़ोन को गाड़ी से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर जाके इस ऐप को आप अनइंस्टॉल कीजिए, जो क्लोन ऐप है उसको अनइंस्टॉल कीजिए। पर अनइंस्टॉल करने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। देखिए मैं तो अनइंस्टॉल कर दिया, अब भी देखिए आप कनेक्ट किया, देखिए फिर से आ रहा है ये। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि अनइंस्टॉल तो कर दिया फिर ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। तो इसको एग्जिट कीजिए, मैं फिर से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ से एग्जिट करके जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग्स ऑप्शन में। ध्यान से देखिए, मैं सेटिंग्स में गया, फिर उसके बाद नीचे देखिए ऐप सेटिंग्स एक होता है ऐप्स, वहाँ पर गया। वहाँ पर देखिए पहले जो ऑप्शन है सिस्टम ऐप सेटिंग, मैनेज ऐप्स, डुअल ऐप्स में जाइए। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नॉट क्रिएटेड करके लिखा हुआ है, मतलब वहाँ से अनइंस्टॉल कर देने से नॉट क्रिएटेड हो गया, फिर भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, तो क्या करें आप। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, यहाँ से ऊपर में जो सेटिंग्स है यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाके देखिए डिलीट डुअल ऐप्स अकाउंट, ये ऑप्शन है, इसमें जाके आप यहाँ से
यहाँ पर एक नोटिस दे रहा है कि डिलीट ऑल डुअल एप्स अलोंग विथ योर अकाउंट्स एंड ऐप डेटा, योर डिवाइस विल बी रिबूटेड टू अप्लाई द चेंज। यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और दोस्तों ये डिलीट होने के बाद ये फ़ोन आपका रिबूट होगा। तो फ्रेंड्स हमारा फ़ोन का रिबूट अभी कम्प्लीट हो चुका है, रिबूट कम्प्लीट हो चुका है। अब हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अभी क्या रिस्पॉन्स आते हैं। पर हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर जाके फोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। अब ये कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो इज अवेलेबल, सब कुछ आ गया है। अभी यहाँ पर जाके फोन में ही देखिए, सॉरी एक मिनट, डिस्प्ले में देखिए एंड्रॉयड ऑटो एक्टिवेट हो चुका है। अब क्लिक करने से एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड। तो दोस्तों यही था फिक्स, ये करने से आपका फोन का जो एंड्रॉयड ऑटो का एरर है वो ठीक हो जा सकता है। तो ये ट्रिक अब जरूर ट्राई करना अगर आपके फोन में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो। और दोस्तों जो थर्ड रीजन हो सकता है एंड्रॉयड ऑटो एरर की, वो है कि आपके गाड़ी के साथ आपके फोन का जो डेट एंड टाइम जो है वो ठीक ठाक मैच नहीं करने से भी ये दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी तो मेरा गाड़ी एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड है, जैसे मैंने आपको दिखाया कनेक्टेड है, ये सब काम वगैरह सब कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मेरा कार का जो टाइम है वो तो मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि इसमें भी दिक्कतें आते हैं। ज़्यादातर उसमें एंड्रॉयड ऑटो एरर नंबर 14 आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो दिक्कतें कैसे आती हैं और कैसा होता है वो प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं पहले इसको गाड़ी से डिसकनेक्ट कर दूंगा मेरे फ़ोन को, फिर चलिए देखते हैं। हम जाएंगे फिर यहाँ से सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल सेटअप, जनरल सेटअप से सेट डेट। देखिए अभी तो मेरा मतलब सेट किया हुआ है 3 फरवरी 2021, तो मैं इसे रैंडम कुछ चेंज कर दे रहा हूँ। डेट में भी जाके हम ऐसा कुछ कर दिया, ये भी कुछ ऐसा कर देता हूँ, ये सब कुछ अभी इसको मैं सेट कर दिया। और मैं टाइम को भी इधर उधर कर दूंगा, थोड़ा कर दिया इसको भी, ये सब कर दिया कुछ, एम को पीएम कर दिया। अभी जाके इसको सेट करता हूँ, हो गया है सेट, डेट और टाइम मैंने चेंज कर दिया। तो चलिए अभी फोन को कनेक्ट करते हैं दोबारा मेरे कार के साथ। देखते हैं अभी आउटपुट क्या आता है। तो अभी हमने कनेक्ट कर दिया और देखते हैं इधर क्या, और देखिए अभी देखिए इधर एंड्रॉयड ऑटो एनकाउंटर्ड एन एरर कम्युनिकेशन एरर 14, योर कार सॉफ्टवेयर डिडंट पास एंड्रॉयड ऑटो सिक्योरिटी चेक्स, मेक श्योर दैट द कार्स डेट एंड टाइम आर सेट करेक्टली एंड दैट गूगल प्ले सर्विसेज हैज बीन अपडेटेड। देखा आपने, जैसे कि मैं जब गाड़ी का डेट और टाइम चेंज कर दिया तो ये मतलब एरर मैसेज आ गया। अभी मैं फिर से इसका टाइम सेट कर दूंगा और फिर चेक करेंगे। चलिए अब कनेक्ट कर देखते हैं, एक बार कनेक्ट कर दिया फिर से यहाँ पर, और इधर आप देखिए एंड्रॉयड ऑटो अभी ठीक से फिर से कनेक्टेड हो गया। तो यही सारे रीजंस थे जहां से आपको एंड्रॉयड ऑटो की एरर मैसेज आ सकती है, और उसका फिक्स भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स बस यही था आज के लिए, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो अगर इसके अलावा फिर भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो ट्राई कीजिए कि उस ऐप को एक बार अपडेट कर लेने के लिए। अपडेट करने से बहुत बहुत वक्त फिक्स हो जाता है, अगर आपका ऐप मतलब अपडेटेड नहीं रखते हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर इसके ये सब करने के बाद भी मतलब आपके जो एंड्रॉयड ऑटो है वो कनेक्ट नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि फिर आपका डिवाइस में कोई दिक्कत है, तो जाके एक बार सर्विस सेंटर में फिर आपको बात ज़रूर करना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आ रहा हूँ मैं फिर से एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।